हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश विंग्लिश के अंदर। और आज मैं सिनोनिम्स की वर्ड लिस्ट 4 लेके आया हूँ। और इसके अंदर जैसे कि मेरा टाइटल है कि अब याद करना शुरू हुआ आसान, और मैं आपके लिए सिनोनिम्स याद करना आसान बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है होम या रेसिडेंस, मतलब घर। तो अबोर्ड को आप कैसे याद रख सकते हैं? अबोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, गेटिंग बोर्ड एट होम, इमेजिन करिए कि आप अपने घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो अबोर्ड को आप बोर से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है बीट। बीट का मतलब होता है हरास और टीज। हरास मतलब टीज करना, मतलब किसी को परेशान करना, हरास करना, जैसे लड़कियों को हरास करते हैं लोग। तो आप बीट को ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके अंदर आप इमेजिन करिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो गर्ल को टीज कर रहे हैं। तो बीट से बैठे स्टूडेंट्स बैठ के गर्ल्स को टीज कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप हरास को ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगला वर्ड हमारे पास आता है कॉलस। कॉलस के अंदर मतलब होता है अनफीलिंग, अनफीलिंग। तो कॉलस को आप कैसे याद रख सकते हैं? कॉलस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप कहीं पे गए, आपके कहीं रिश्तेदार थे, तो उसके अंदर आपकी वहाँ पे लड़ाई हो गई और आपने कहा कि, और फिर उन्होंने आपको कॉल करी और आपने कहा कि हमें कितनी भी कॉल कर लो, हमारी जो फीलिंग है अब, जो कि गुस्से की है, वो चेंज नहीं होगी। कि कॉल अस एज मेनी टाइम एज यू कैन, बट वी विल नॉट चेंज, वी हैव अ अनफीलिंग फॉर यू। ओके, अगला वर्ड आता है डोंट। तो डोंट का मतलब होता है फ्राइटेंट। तो इसके अंदर आप आंट से याद रख सकते हैं कि जो आपकी आंट है वो आपको बहुत ज़्यादा डराती धमकाती हैं। अगला वर्ड है एस्केटेसी। एस्केटेसी मतलब होता है रैप्चर या फिर जॉय। रैप्चर का मतलब भी हैप्पीनेस और जॉय होता है, और जॉय तो हैप्पीनेस होता ही है। तो अगला, तो इसके अंदर आप एस्केटेसी को ऐसे याद रख सकते हैं कि आप इसके अंदर लास्ट में देखेंगे TASY को, आप टेस्टी पढ़ सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि टेस्टी के अंदर अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको खुशी मिलती है, उससे आपका चेहरा खिल जाता है, आपको उससे बहुत खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है अगर कोई टेस्टी चीज़ खाते हैं। तो इसको आप टेस्टी से याद रख सकते हैं, रैप्चर और जॉय को। अगला वर्ड है हमारे पास फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है ईजिली अकम्प्लिश्ड। अब इसके अंदर आप फेसाइल को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप AC हटा दें तो FILE फाइल बन रहा है। और आप इमेजिन करिए कि आप किसी दुकान पे गए हैं और आपको फाइल चाहिए, तो फाइल हर दुकान पे नॉर्मली अवेलेबल हो जाएगी स्टेशनरी पे, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है फाइल जो ईजिली अकम्प्लिश्ड है, जो कहीं पर भी मिल जाएगी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान होगा। अगला वर्ड है गेट। गेट का मतलब होता है स्पीड। तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपने देखा होगा जैसे कोई मूवी होती है, उसके अंदर जब भी विलन हीरो की एंट्री होती है वो हमेशा गेट तोड़ के आता है। और गेट जब वो तोड़ के आता है स्पीड में, कार के अंदर बैठा होता है और कार लेके गेट तोड़ता हुआ आता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वो गेट तोड़ के आ रहा है स्पीड में कार लेके। ओके, तो गेट मतलब हो गया स्पीड, गेट तोड़ के स्पीड में आ रहा है। अगला वर्ड है हॉल्टिंग। अब हॉल्टिंग का मतलब होता है हेजिटेंट या फॉल्टरिंग, मतलब रुकावट, हेजिटेंट किसी चीज़ को करने से रोक देना या उसको स्थिर कर देना। तो होल्टिंग को आप कैसे याद रख सकते हैं? होल्टिंग को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो HAL बन रहा है, और उससे आप हॉल याद रख सकते हैं। होल्टिंग में मेजर हॉल प्रोनाउंस हो रहा है। तो मान के चलिए कि आपकी बर्थडे पार्टी है या फिर आपकी मैरिज है, और उसके अंदर आपको जाने से रोक दिया गया है क्योंकि अंदर बम है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अंदर कोई बम नहीं है, आपको जाने से अपनी शादी में रोक दिया गया है हॉल के अंदर। हॉल के अंदर ही ज़्यादातर पार्टीज होती हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हॉल में आपको जाने से रोक दिया गया है, हेजिटेंट और फॉल्टरिंग। अगला वर्ड आता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। अब इसके अंदर आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि मान के चलिए आप किसी होटल में गए और आपने वहाँ पर टेबल बुक कर दी एक, और आप उस पर बैठ गए, बट एक बार बैठने के बाद आप उस टेबल को चेंज नहीं कर सकते। सो इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज द टेबल, अनचेंजेबल। ओके, तो अब हमारे पास अगला वर्ड देखते हैं, अगली वर्ड लिस्ट में क्या वर्ड आता है हमारे पास। अगला वर्ड आता है हमारे पास जॉन्टी। अब जॉन्टी के अंदर क्या है? जॉन्टी का मतलब होता है लाइट हर्टेड। लाइट हर्टेड मतलब डरपोक, डरपोक। तो डरपोक को अब इसके अंदर जो जॉन्टी है इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जॉन्टी के अंदर आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि आप अपने फ्रेंड के घर गए हैं और वहाँ से लड़ाई करके आ गए, और वहाँ पर आपकी लड़ाई हो गई, और अब आंटी से वहाँ की पूछ रहे हैं कि आंटी मैं जाऊँ या ना। आप डरपोक तरीके से पूछ रहे हैं बिकॉज आप अपने फ्रेंड के घर पे हैं और उसकी मम्मी भी उसी के साथ हैं और वहीं पे हैं आप भी उनके साथ। तो आप पूछ रहे हैं आंटी से, आंटी मैं जाऊं या ना, जाऊं आंटी, जाऊं आंटी, जॉन्टी, जाऊं आंटी। तो आप बहुत
लाइट हर्टेड, डरपोक तरीके से पूछ रहे हैं। अगला वर्ड होता है हमारे पास नोटी। नोटी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। अब आपको याद होगा कि हमें जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था नोट मिलना कितना मुश्किल हो गया था, तो आप नोटी के अंदर नोट को याद रख सकते हैं, नोट मिलना हमें बहुत मुश्किल हो गया था, तो इसके अंदर डिफ़िकल्ट इसका मतलब होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास आता है लैगार्ड। लैगार्ड का मतलब होता है स्लगिश, स्लो, थकावट। अब स्लगिश का मतलब भी स्लो, थकावट होता है, स्लो तो आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या होता है। तो लगार्ड के अंदर हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको गार्ड से याद रख सकते हैं। अब लास्ट में आप देखेंगे लास्ट में जी ए आर डी है, इसका मतलब क्या होता है, गार्ड। तो जो गार्ड होते हैं हमारे, जो बाहर बैठे रहते हैं सोसाइटी के बाहर, वो बहुत पूरे दिन से बहुत थके होते हैं, मतलब बैठ बैठ के कुछ काम नहीं होता उनके पास, तो थक जाते हैं। जो गार्ड है वो हमारे बहुत थके जाते हैं, स्लो होते हैं और स्लगिश होते हैं, आलसी होते हैं। तो अगला वर्ड है हमारे पास मेलाइज। मेलाइज का मतलब होता है फीलिंग इल, मतलब इल फील करना या फिर कुछ बुखार हो जाना या कुछ भी। तो इसके अंदर आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अब इसको आप एक बार तोतले तरीके से पढ़िए मेलाइज को, मेले आइज। मेले आइज में एक बच्चा कह रहा है मेले आइज में कुछ गिर गया है और मेरी तबीयत खराब हो गई है, मतलब उसकी आँख में, बच्चे की आँख में कुछ गिर गया है, मेले आइज में कुछ गिर गया है और जिसकी वजह से, आँख में कुछ गिर जाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो इसको आप फीलिंग इल ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ा फनी है बट आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड है निफेरियस। अब निफेरियस का मतलब होता है वेरी वीक्ड, मतलब बहुत कमज़ोर। तो निफेरियस के अंदर आप अगर देखेंगे जो फेरी है, बीच में मेजर प्रोनाउंस फेरी की आ रही है, निफेरियस, फेरी, एफ ए आर आई। तो फेरी को आपने देखा होगा, जो बोट होती हैं, छोटी बोट होती हैं, उनको हम फेरी भी कहते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी नदी में जा रहे थे फेरी में, और आपकी जो फेरी थी बहुत कमज़ोर थी और वो टूट गई और आप डूब के मर गए। तो वो आपका मरने का कारण क्या था, फेरी बहुत कमज़ोर थी, वो बहुत कमज़ोर थी, वेरी वीक्ड। ओके, अगला वर्ड हमारे पास आता है ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मतलब होता है हमारे पास डेथ नोटिस। तो ओबिचुअरी को आप कैसे याद रख सकते हैं, ओबिचुअरी के अंदर आप देखेंगे तो मेजर प्रोनाउंस हमारे पास बी टी यू की आ रही है, बिच्छू। आप बिट्टू, बी टी यू को, बी आई टी यू को बिच्छू पढ़ेंगे, तो ओबिचुअरी के अंदर बिच्छू ने हमें काट लिया जिसकी वजह से हमारी डेथ हो गई और फिर हमारे घर पे नोटिस आ गया, तो डेथ नोटिस, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पैल, पी ए डबल एल। पैल का मतलब होता है ग्रो टायरसम। अब आप मान के चलिए जो हमारे पल होते हैं, जो पल पल बीतते रहते हैं, अब किसी के अच्छे बीतते हैं, किसी के बुरे बीतते हैं, तो जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं आप सब बच्चे, तो आपके जो पल हैं वो बहुत ग्रो टायरसम, बहुत धीरे धीरे बीत रहे हैं, बहुत बेचैनी भरे बीत रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ग्रो टायरसम, तो आपको याद हो जाएगा ये। तो अगला वर्ड आता है क्वैंडरी। अब क्वैंडरी का मतलब होता है डिलीमा। डिलीमा मतलब क्या होता है, दुविधा, मतलब हमें किसी चीज़ को कर्म करने की दुविधा। अब क्वैंडरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीच में अंडा आ रहा है, ए एन डी ए, अंडा। तो अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि अंडा पहले आया या मुर्गी, तो अंडा पहले आया या मुर्गी। अब जब कोई भी ये सोचता है तो वो परेशानी में पड़ जाता है, डिलीमा में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है कि पहले क्या आया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव तरीका याद करने का। अगला वर्ड हमारे पास आता है रैम्बल। रैम्बल का मतलब क्या होता है, रैम्बल का मतलब होता है वेंडर एमलेसली। वेंडर एमलेसली मतलब इधर उधर फालतू में भटकना बिना कोई काम के। तो आप ये मान के चलिए कि एक राम है और बी एल ई को बल पढ़िए हिंदी में, बल मतलब होता है शक्ति, ताकत। तो राम का जो बल है वो इतना है कि उसको उसकी औकात और उसकी हिम्मत का और उसकी ताकत का कोई इंसान नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो इधर उधर वॉन्डर एमलेसली इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि उसको कोई आदमी नहीं मिल रहा है जिससे वो लड़ सके, राम के बल का कोई मैच नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर अपना टाइम पास कर रहा है, वेंडर एमलेसली इधर उधर घूम रहा है फालतू में। अब अगला वर्ड हमारे पास आता है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब होता है मोस्ट सेक्रेट। मोस्ट सेक्रेट के अंदर जो सेक्रेट है उसका मतलब होता है पवित्र और धार्मिक। तो जो सैक्रोसेंट होता है, सैक्रोसेंट को आप याद कर सकते हैं, एंड में संत आ रहा है, जो हमारे संत होते हैं वो बहुत पवित्र और धार्मिक होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है इफेक्ट, इक्विवेलेंट इन इफेक्ट और वैल्यू, मतलब इफेक्ट और वैल्यू में इक्वल होना। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, आप इमेजिन करिए आपके घर में पांच या फिर आप जितने भी भाई बहन हैं तीन चार, उस आपको एक अमाउंट दिया गया है और वो अमाउंट आप सब में इक्वल इक्वल बटा और इक्वल इफेक्ट आया उसका सबके ऊपर, तो इसको आप लास्ट में अमाउंट दे रखा है उससे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास अनअज्यूमिंग। अब अनअज्यूमिंग का मतलब होता है मोडेस्ट। तो मान के चलिए अन से आप एनिमी याद रख सकते हैं, एन मतलब एन से ई एनिमी, और अज्यूमिंग का मतलब आप अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम करिए कि आपका जो एनिमी है वो कैसा होता है नेचर में, नेचर में बहुत ज़्यादा
मतलब आक्रोश होता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो सब होता है। तो इसका मतलब होता है मोडेस्ट, मतलब आप उसका सोचेंगे मतलब वो, और उसका अपोजिट जो होगा वो इसका मतलब है। मतलब आप ज्यूम करिए जो आपका एनिमी है वो बहुत नर्म स्वभाव का है, मोडेस्ट मतलब होता है नर्म। अब अगला वर्ड है, हमारे पास वेपिड। अब वेपिड का मतलब होता है डल, इंसिपिड, फ्लेवरलेस। इंसिपिड मतलब भी वही होता है, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, डल, रूखा, हल्का। तो अब वेपिड को आप कैसे याद रख सकते हैं, वेपिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास एपी बन रहा है, API, और एपी से एपी फिज आती है। और अगर आपने नोटिस किया होगा जब आप एपी फिज पीते हैं या फिर एपी पीते हैं, उसको छोटी जो उसमें आती है बॉटल में, उसको एपी कहते हैं। तो एपी पीते हैं तो एपी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग एसिड टाइप होती है, और बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्लेवर का स्वाद आता है। तो वो इंसिपिड सी लगती है, टेस्टलेस सी लगती है, बहुत ज़्यादा चुभती है। तो इसको आप इंसिपिड से याद रख सकते हैं, डल से और फ्लेवरलेस से। अब अगला वर्ड हमारे सामने है वेलो। वेलो का मतलब होता है बिकम हेल्पलेस, मतलब आप हेल्पलेस हो जाना, आपके पास आप कुछ नहीं कर सकते, आप असहाय हो जाना। तो वेलो के अंदर आप देखेंगे लास्ट स्टार्टिंग में हमारे पास वॉल बन रहा है। तो इमेजिन करिए कि आपके पीछे गुंडे पड़ गए या फिर कोई लोग पड़ गए जो आपको मारना चाहते हैं, और आप भाग रहे हैं, और भागते भागते आपके सामने एक वॉल आ गई, और उस वॉल के आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो आप क्या हो गए वहाँ पे, आप हेल्पलेस हो गए, आप कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और वो आपको वहाँ पे मार डालेंगे। तो इसको आप वॉल से याद रख सकते हैं कि वॉल आने से आप हेल्पलेस हो गए, बिकम हेल्पलेस। थैंक यू एवरीवन। जैसा आपने देखा कि मैंने अभी आपके सामने ये वर्ड लिस्ट रखी, और इस वर्ड लिस्ट के अंदर काफ़ी ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट थे, और ये एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और सिनोनिम्स पढ़ते रहेंगे तो आपका पेपर ज़रूर एक दिन क्लियर होगा, क्योंकि जो पेपर होता है उसके अंदर इंग्लिश के अंदर जो पोर्शन होता है वो मेजर पार्ट उसका वोकैबुलरी पे ही होता है। टायर वन के अंदर आप देखेंगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, आइडियम फ्रेसिस, क्लोज टैग्स, जो भी है इन सब के अंदर वोकैबुलरी का यूज़ होता है। अगर आपको वोकैबुलरी का मतलब पता होगा तो आप उनको कर पाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि जो ग्रामर होता है टायर वन के अंदर, तो ग्रामर का बहुत माइनर रोल होता है, बट टायर टू के अंदर बहुत मेजर रोल होता है एग्जाम्स का, इन ग्रामर्स का। तो वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका ही अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। तो आप इस वोकैबुलरी को याद करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड हिट द बेल आइकन। गुड बाय, स्टे ट्यून विद मी।